हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स। ये हमारी मई मंथ की करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपकी हो गई है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गई है, इकॉनमी की हम लोग दो तीन टॉपिक ही यहाँ पर देख पाए थे। ओके, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ पे बाकी है, मैं इसको कंप्लीट करूँगी एक दिन ही। मैं अच्छे से पूरा यहाँ पे लेकर, जो भी जिस दिन मुझे टाइम होगा, मैं यहाँ पे एक और लेसन में पूरी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ एनवायरनमेंट से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इकोनॉमी के लेसन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तीन लेसन हो जाए, दो लेसन बहुत होते हैं, तो एक लेसन ऑलरेडी हो चुकी है, जबकि क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक थे, तो उसमें मुझे कवर कराने में तीन टॉपिक में ही मैं एक लेसन में कवर करा पाई। नेक्स्ट लेसन मैं लूँगी जो कि लंबा जाएगा, लेकिन इकोनॉमी का एक ही लेसन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करती हूँ, जिसमें आपके टोटल एट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, तो देखती हूँ कि आज मैं इसको कितना कंप्लीट कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हो। जितनी भी लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आके स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारी मैं यहाँ पे आपका जितना भी विज़न आई इसकी जो जो टॉपिक होती है मैं कंप्लीट कराऊंगी। जून मंथ की भी कुछ कुछ टॉपिक आपकी बची हुई है, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दो चार दिन के बाद, यहाँ मुझे लगता है एक हफ्ता 10 दिन और लगेंगे, उसके बाद मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो आपको बैक टू बैक सारी लेसन यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग आराम आराम से पढ़ते जाइए, और मेरे पास जैसा टाइम बनता है मैं आपको वैसे लेसन प्रोवाइड करते जाती हूँ। ओके, तो अब हम लोग तो आज हम लोग इन्वायरमेंट में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो आप लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ चुकी है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन अभी ये टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि लगातार हम लोग कंटिन्यूस एक साल से इन्वायरमेंट में, ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता मंथ का ऐसा विज़न आइस मैगजीन होगी जिसमें कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़े हो, ग्रीन हाउस गैस नहीं हो, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, क्लाइमेट चेंज नहीं हो। ओके, इन्वायरमेंट इज़ टोटली इनकम्प्लीट विदाउट दिस टॉपिक्स। तो चलिए आप भी देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पढ़ रहे हैं। तो रिसेंटली फर्स्ट टाइम ग्लोबल कंसनट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोसफेयर में है ना, वो 415 पार्ट्स पर मिलियन पार कर चुका है एज़ पर मौना लाओ लोआ ऑब्जर्वेटरी। ये मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी है जिसके थ्रू ये बताया गया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे पृथ्वी में कि ग्लोबल कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो 415 पार्ट्स पर मिलियन ये पार कर चुका है। कुछ बैकग्राउंड में चलकर इसके बारे में देख लेते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि ये मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी है क्या। MLO है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट स्टेशन है, और ये वर्ल्ड सिचुएटेड है हवाई में। तो हवाई एक आइलैंड है, इसमें यहाँ पे सिचुएटेड है, और ये बार बार ये मेज़र करती रहती है, सबसे पुरानी भी है, और ये मेज़र करती है ऑब्जर्वेटरी की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितना है। जो ऑब्जर्वेटरी है ना, ये हमारे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है, साथ ही अर्थ सिस्टम रिसर्च लेबोरेटरी और ग्लोबल मॉनिटरिंग डिवीजन का भी पार्ट है। नीलिंग कर्व की बात करें तो ये एक तरीके का ग्राफ है जो कि यहाँ पर शो करती है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो पाया है अर्थ सरफेस में, जो कि बेस्ट है हमारे कंटिन्यूस मेजरमेंट में, जो कि ये मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो है वो मेज़र कर रही है। ओके, तो ये मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी क्या है ये आपको पता चल गया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कितना एटमॉस्फेयर में है उसको मेज़र करती है। बैकग्राउंड अगर चल के देखें तो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुई थी, तो पेरिस जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज थी, उन्होंने यहाँ पे एग्री किया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो यहाँ पे लिमिट रहेगी 2.02 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके ऊपर नहीं जाएगी जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, और यहाँ पे परस्यू करने का कोशिश किया जाएगा कि हम लोग की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होगी। 2018 में क्या हुआ कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की स्पेशल रिपोर्ट आई है ग्लोबल वार्मिंग में, तो वहाँ पे दिखाया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वार्न कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा जो है अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही वर्स हो जाएगी। अगर IPCC की ये रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो लिमिट है ना वो यहाँ पर आपका रखा गया कि कोई भी अगर ओवरशूट देखने को मिलता है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो है यहाँ पे ज़रूरत होगा कि इसको इंटायरली पूरी तरीके से फेज आउट कर दे, यानी कि कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए 2050 तक। ओके, तो ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा कहा गया था, तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए, इसको आप डायरेक्ट अपने मेन्स आंसर आई टी में इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या क्या अब तक ऐसा स्टेप्स लिया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको फिगर
फिगर दिखाया जा रहा है जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि सबसे पहला है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको ओशन फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजिंग ओशन इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल करती है, जो कि एक पार्टली सिंक होते जा रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ना एटमोसफेयर से सी बेड में यहाँ पे आपका भेज रही है। ओके, दूसरा है कि यहाँ पे नेचुरल जो वेदरिंग है ना, नेचुरल वेदरिंग हो गया और साथ ही साथ आपका रॉक हो गया, इसको इन्हांस किया जा रहा है एक्सट्रैक्ट करके, ग्रिंडिंग करके, डिस्पर्स करके जो भी कार्बन बाइंडिंग मटेरियल्स है लैंड में, और यहाँ पे अल्कलाइन मटेरियल्स को भी, मिनरल्स को भी ऐड किया जा रहा है ओशन में, जिससे कि जो कार्बन अपटेक है ना वो यहाँ पर बढ़ते जा रही है। थर्ड यहाँ पर है कि प्लांटेशन फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर एफॉरेस्टेशन की कोशिश की जा रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की बात की जा रही है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा ट्रैप हो सके। फोर्थ है कि यहाँ पर केमिकल प्रोसेस को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कैप्चर कर सके जो भी हमारे एयर में है। और फिफ्थ है कि यहाँ पे जो हमारा बर्निंग बायोमास है ना, इसको हम लोग जो है एनर्जी जनरेशन के लिए बर्न कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग कैप्चर कर सके और परमानेंट स्टोर कर सके जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ओके, उसके बाद हमारा जो है वो यहाँ पर है कि बर्निंग बायोमास जो कि लो ऑक्सीजन कंडीशंस में हो रही है, जिसके थ्रू आपका चारकोल जो इल्ड हो रहा है ना बायोकार, वो यहाँ पे सॉइल में ऐड किया जा रहा है, जिसके थ्रू सॉइल की जो कार्बन लेवल है ना वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हो कि जो कार्बन लेवल को इंक्रीज़ किया जा रहा है वो कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो ओशन में ओशन फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और साथ ही यहाँ पर वेदरिंग में इन्हांस किया जा रहा है जिसमें कि आपका ओशन अल्कनाइजेशन हो रहा है, एफॉरेस्टेशन एंड रीस्टोरेशन किया जा रहा है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर रीस्टोर होता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट एयर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके का, और फिर उसके बाद बायो एनर्जी है जिसमें कि कार्बन कैप्चर किया जा रहा है और रिस्टोर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे सॉइल कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन किया जा रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जा रहा है, और बायोकार है जिसमें कि आपका यहाँ पे बर्निंग किया जा रहा है बायोमास को। ओके, तो ये सारी है। साथ ही शेयर्ड अगर हम लोग गवर्नमेंट चैलेंज देखें तो इसमें गवर्नमेंट चैलेंज में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहला है कि मेजरमेंट और रिपोर्टिंग, दूसरा है कि स्पीड और स्केल इशू, थर्ड है कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल पब्लिक कंसर्न जिसमें कि आपका ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन हम लोग को सटीक नहीं मिल पाती, डेटा अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसकी कमी भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजेस है। अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट, ओके, इन डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। लियबिलिटी और कंपेंसेशन, ये अनदर चैलेंज है। अगर स्पेसिफिक गवर्नेंस चैलेंज देखें, कोई स्पेसिफिक गवर्नेंस चैलेंज क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि जो कंपटीशन है ना लैंड यूज़ का, और जो रिलेटेड इम्पैक्ट हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक और ट्रांसबाउंड्री लेवल में, उसको मैनेज करने की प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पर जो रिस्क आज के डेट में देखने को मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो रिस्क देखने को मिल रहा है उस पर हम लोग को यहाँ पर मैनेज करने की प्रॉब्लम है। साथ ही जो परमानेंस है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की आइसोलेट, जो कि एटमोसफेयर से आइसोलेट करना है, वो भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। हाई कॉस्ट लैंड यूज़ हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, डिप्लॉयमेंट और एनर्जी मीन पॉलिसी सिग्नल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखें तो कार्बन का जो प्राइस है और दूसरे रेगुलेशंस में, वो भी यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ा एक चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला जो है वो अपस्ट्रीम ऑक्सीजन अपस्ट्रीम है, ONG, और इसमें आपको नेचुरल गैस प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। हेवी इंडस्ट्री है जैसे कि स्टील और सीमेंट, इससे भी आपका कार्बन जनरेट होता है। उसके बाद आप देखोगे कि पावर जनरेशन क्या क्या है, तो इसमें आपका कोल हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम कोक है, बायोमास है, इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन प्रोडक्शंस और यूज़ देखें तो यहाँ पे केमिकल अमोनिया है, सिंथेटिक फ्यूल है, कोल टू लिक्विड है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग है, बायोमास टू लिक्विड है, और रिफाइनरीज है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखोगे कि इसको कैप्चर कैसे किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि आप स्ट्रीम करके, यानी कि नेचुरल गैस प्रोसेसिंग करके जो है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को सेपरेट किया जा रहा है। पोस्ट कम्बशन यानी कि जल जाने के बाद क्या है कि यहाँ पे भी आपका कार्बन और मीथेन को अलग किया जा रहा है। ऑक्सी फ्यूल कम्बशन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो फ्यूल का यहाँ पे कम्बशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एयर सेपरेट यूनिट है। और उसके बाद आपका प्री कम्बशन यानी कि जलने से पहले क्या है कि गैसिफिकेशन किया जा रहा है, और रिफॉर्मर्स है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है, शिप के थ्रू हो रहा है, साथ ही साथ आपका नेटवर्क और हब के थ्रू हो रहा है। फिर स्टोरेज यानी कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा जा रहा है, तो अंडरग्राउंड यहाँ पे जियोलॉजिकल स्टोरेज है, यानी कि डीप सैलाइन एक्वीफायर्स है, और डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड है, अनमिनेबल आपका कोल सीम्स है,
बेनिफिटेड रीयूज़ देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किस तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ कर सके, रीयूज़ फिर से यूज़ कर सके, तो यहाँ पे ऑयल और गैस रिकवरी को इन्हेंस करके, साथ ही कोल बेड मीथेन को इन्हेंस करके सिंथेटिक फ्यूल में, जैसे कि एल्गी बायोफ्यूल हो गए, फॉर्मिक एसिड हो गए, सिंथेटिक नेचुरल गैस हो गए, इन सारी चीज़ों में यूज़ करके यूरिया एल्ड बूस्टिंग में और मिनरलाइजेशन में, फिर पॉलीमर प्रोसेसिंग में, तो इन सारी जगहों पर हम लोग जो है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, अदर ऑप्शंस दिखाया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो हम लोग जो है बेसाल्टिक फॉर्मेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं, ओशन स्टोरेज कर सकते हैं, वॉकिंग फ्लूड होगा जो कि यहाँ पर जियो थर्मल सिस्टम को इन्हेंस करेगी। तो ये पूरा आपका टॉपिक था कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मेजरमेंट किया गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्या स्टेप ली है, किस तरीके से कोशिश किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डायमेंशन मिल चुका है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये भी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आज के डेट में हो गया है। तो रिसेंटली क्या है कि मोर देन 25 स्टेट हमारे कंट्री में जो है वो फेल हो चुकी है इस तरीके का एक्शन लेने के लिए, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा था ना कि प्लास्टिक वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना है, तो ये 25 से भी ज़्यादा स्टेट, यानी कि टोटल तो 29 स्टेट है और 25 से भी ज़्यादा स्टेट यहाँ पे फेल हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो कि उन्होंने डेडलाइन दिया था 30th of April 2019। तो यहाँ पे एक आपका रूल लाया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो इसके थ्रू क्या क्या था इसकी प्रोविजंस वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मिनिमम जो थिकनेस था ना प्लास्टिक कैरी बैग जो हम लोग लेते हैं, तो उसकी थिकनेस को डिफ़ाइन किया गया था, और मैक्सिमम जो मिनिमम जो थिकनेस थी वो 50 माइक्रॉन्स थी, और इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसमें आपका कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे फ्री कैरी बैग प्रोवाइड करने की जो टेंडेंसी है ना वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। आप लोग देखते हो कि कुछ भी सामान लो तो उसके साथ आपको कैरी बैग मुफ्त मिल जाता है, लेकिन वही आप लोग मॉल वगैरह सब में जाओगे तो 1 रुपया 2 रुपया आपको चार्ज करती है, तो यहाँ पर जो मिनिमम थिकनेस थी उसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है 50 माइक्रॉन, और इससे क्या होगा कि कॉस्ट भी बढ़ेगा और लोग जो है यहाँ पे दुकानदार जो है आपको फ्री में ये सारी चीज़ें बैग वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी आपका डाउन हो जाएगा, पैसे देंगे लोग यहाँ पे 1-2 रुपया खर्च नहीं करना चाहते प्लास्टिक बैग्स में, तो वो लोग प्लास्टिक बैग्स नहीं लेंगे, कम से कम मजबूर तो होंगे कि घर से वो लोग जो झोला वगैरह होता है वो सब कैरी करके ले जाए। सेकेंड चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडीज़ की, यहाँ पे जो रूरल एरिया है उनको इस रूल्स के अंदर लाया गया था कि जब से यहाँ पे प्लास्टिक जो है ना वो रूरल एरिया में पहुँच चुकी थी, यानी कि पहले तो अर्बन एरिया के लोग ही प्लास्टिक्स को यूज़ करते थे, तो रूरल एरिया में जब तक ये पहुँच चुकी थी तब तक यहाँ पे लोकल बॉडीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया कि वहाँ से इनको हटाया जाए या फिर अच्छे से डिस्पोज किया जाए। थर्ड है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया गया, यानी कि प्रोड्यूसर हो, ब्रांड ऑनर हो, उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि वो इस तरीके का जो भी वेस्ट यहाँ पे जनरेट होता है प्रोडक्ट से उसको कलेक्ट करे अच्छे से। नेक्स्ट है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड रखे अपने वेंडर्स का। नेक्स्ट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट जनरेटर का वो भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ऑल इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स जो प्लास्टिक वेस्ट के थे उनको यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया था, और उनको यहाँ पे जितने भी वेस्ट थे उनको यहाँ पे स्टोर करने के लिए कहा गया था एज़ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के द्वारा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स और रिटेलर्स का भी था कि वो यहाँ पे इस तरीके के कैरी बैग और जो फाइन है वो इम्पोज नहीं फाइन जो है कैरी बैग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर प्रोवाइड करेंगे तो उनके ऊपर इस तरीके का मीन्स जो फाइन है वो इम्पोज किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स जो है वो पेमेंट जब रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करेंगे लोकल बॉडीज़ को तभी वो उनको ये इस तरीके का कैरी बैग दिया जाएगा। साथ ही साथ जो यूज़ है प्लास्टिक का उसको भी प्रमोट किया जा रहा था रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और एनर्जी रिकवरी के लिए। और यहाँ पे जो सेंट्रल आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है, ओनर है, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगी। साथ ही हम लोग को यहाँ पे मल्टी लेयर जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से फेज आउट करना था, और ये एप्लीकेबल था सिर्फ MLP में, और ये जो था आपका नॉन रिसाइकल था और नॉन एनर्जी रिकवरेबल था। ओके, और नॉन अल्टरनेटिव यूज़ है, यानी कि इस तरीके के जो मल्टी लेयर प्लास्टिक होती है ना उसका यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते बार बार, एक बार यूज़ करके आप फेंक दिए तो हो गया, उसको बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के डेट में हमें यहाँ पे पता चला है। कुछ बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो 2017 की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो वो यहाँ पे कहे थे कि जो अमाउंट है प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड का इंडिया में तो वो 25,000 टन है पर डे, और इंडिया यहाँ पे नोटिफाइड की है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 की वो यहाँ पे रिप्लेस किया गया है प्लास्टिक वेस्ट रूल जो कि 2011 का लाया गया था, तो उसको रिप्लेस करके ये नया हमारे यहाँ रूल्स आया था जो कि इसमें इतनी सारी प्रोविजंस है। अगर हम लोग रूल 17(3) देखें जो कि इस रूल्स के अंदर है, तो हर एक स्टेट के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो पॉल्यूशंस आपके कंट्रोल कमेटी है उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना था और सबमिट करना था जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो यहाँ पे CPCB को देना था कि वो अपने रूल वो अपने यहाँ कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, और 31st of July हर एक साल वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाते इस चीज़ का उनको यहाँ पे रिपोर्ट देना है।
जो एनजीटी है मार्च 2019 में वो सारे स्टेट और यूटीज़ को यहाँ पे ऑर्डर की थी एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी को, कि वो यहाँ पे अपने प्लान को सबमिट करें कि उन्होंने कितना अपने यहाँ जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को वो इम्प्लीमेंट किए हैं, इसकी रिपोर्ट वो सबमिट करने के लिए कह रहे थे, और वो भी 30 अप्रैल 2019 तक। ओके, नहीं तो उसके बाद क्या होगा कि अगर इस तरीके से अगर कोर्ट अगर इस तरीके से स्टेट ये काम करने में फेल्योर हो जाए तो उसके बाद कोर्ट जो है यहाँ पे पेनाल्टी देगी, वो भी 1 करोड़ पर मंथ के हिसाब से। तो 25 स्टेट्स जो है वो यहाँ पे फेल्ड हो गए हैं अपने एक्शन प्लान को सेंड करने में, वो भी CPCP को, और बाई डिजिग्नेटेड डेट यानी कि 30 अप्रैल 2019 तक वो यहाँ पे नहीं भेज पाए। अब इस तरीके का प्लास्टिक पॉल्यूशन से इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। पहला है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर 2014 की टॉक्सिक लिंक स्टडी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये डायरेक्टली हम लोग को कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड में, एयर में और वाटर पॉल्यूशन में। यानी कि एक प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, तो सॉइल पॉल्यूशन हो रही है, सबसे पहला जो टॉक्सिक केमिकल है ना उसके कारण क्या हो रहा है कि लैंडफिल यानी कि आप देखते हो कि जो भी प्लास्टिक वगैरह फेंका जाता है तो वो सीधे ज़मीन पे फेंका जाता है, जिसके कारण हमारी सॉइल जो है ना उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो वहाँ पे डाउन हो रही है। सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल रहा है हम लोग को, इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो रही है, इंडोक्राइन डिसरप्शंस हो रहा है और कुछ और प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत लार्ज मात्रा में जो हमारी पॉलीथीन वगैरह है, प्लास्टिक्स है, उनको ओशन में भी डंप कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी ओशन है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, पॉइजनिंग ओशन हो चुकी है। हर साल 13 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक है ना वो ओशन में जाता है, जो कि कोरल रीफ को और जितने भी वल्नरेबल मैराइन वाइल्ड लाइफ है उनके लिए काफ़ी थ्रेटेंड होता है। ये जो प्लास्टिक है ना ये पूरी तरीके से ओशन में ख़त्म हो जाती है, और ये आपका जो है ना 4 times डेंजरस होता है हर एक सिंगल ईयर में देखने को मिलेगा। यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में अगर ओशन में हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक फेंक रहे हैं ना, क्योंकि ओशन में आप जानते हो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, हमारा पूरा बायोडायवर्सिटी है, मैराइन लाइफ है, तो वो सारी अफेक्ट होती है, और अर्थ के 4 times कंपैरिजन जो है ना ओशन में ज़्यादा ये आपका इम्पैक्ट देता है। थर्ड जो है एयर पॉल्यूशन होती है प्लास्टिक वेस्ट को डिपोज करने में, और साथ ही साथ इसको जब हम लोग बर्न कर देते हैं ओपन एयर में तो इससे क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे फ्यूरान और डाइक्सिन होते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल है हर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, एनिमल प्लांट सबके लिए है। उसके बाद सोशल कॉस्ट की बात करें तो जो सोशल डैमेज है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, इसके कारण जो हर आप देखोगे कि हर एक के लाइफ में काफ़ी अफेक्टेड हो रहा है, जैसे कि टूरिज्म आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम झेलने को मिलती है, रिक्रिएशन हो, बिजनेस हो, हेल्थ एंड ह्यूमन हो, एनिमल हो, फिश हो, बर्ड्स हो, सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ह्यूमन हेल्थ की बात हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो प्लास्टिक बैग जो है ना यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुकी है, जो कि मॉस्कीटोज़ वगैरह, पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हो कि प्लास्टिक तो ना डिकम्पोज होती है, मॉनसून के टाइम पे अगर आप प्लास्टिक देखोगे जो कि ज़मीन वगैरह में फेंका जाता है तो उसमें बारिश की पानी जो है वो भर जाती है, और बारिश की पानी भर जाने से क्या होता है कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है आपके मॉस्कीटोज़ वगैरह को, जिसके कारण डेंजरस बीमारी हो रही है आज के डेट में, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वगैरह, इसके कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बायो एक्यूमिलेशन, यानी कि प्लास्टिक बैग्स जो है ना ऑफन ये इनडाइजेस्ट किया जा रहा है एनिमल, यानी कि काफ़ी एनिमल्स वगैरह भी जो खाते हैं कचरा वगैरह तो उसमें वो इस तरीके का प्लास्टिक वगैरह खा रहे हैं, जिसके कारण वो इनडायरेक्टली जो है हमारे बॉडी में जा रहा है, क्योंकि हम लोग एनिमल्स को खा रहे हैं, और एनिमल्स से अगर आप देखो गाय वगैरह तो उन लोग का हम लोग दूध भी पी रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे बॉडी में भी वो सारी चीज़ें जा रही है। फिनेंशियल लॉस हो रहा है, यानी कि टोटल जो इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है वर्ल्ड मैराइन इकोसिस्टम का वो भी प्लास्टिक के कारण, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हर साल आप देखोगे तो $13 बिलियन का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिल रहा है, इंक्रोचमेंट हो या फिर क्लॉगिंग हो जो कि सिटी ड्रेनेज का देखने को मिल रहा है प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट के कारण, इसके कारण सब वन जो फ्लडिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको सब अर्बन में फ्लडिंग देखने को मिल रहा है। मुंबई की एक्सपीरियंस अगर हम लोग एनुअल फ्लडिंग की करें, जैसे कि सिचुएशंस जो मॉनसून सीजन के टाइम पे हो जाता है, अभी भी देख रहे हो कि हर दिन न्यूज़ में दे रहा है कि मॉनसून के कारण जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि पूरा यहाँ पे मुंबई जो है वो आपका डूब चुका है, आधा मुंबई डूब चुका है, और वहाँ पे जो है पूरा हॉलीडे का अनाउंसमेंट हो गया है आज की न्यूज़पेपर में ये था। ओके, तो इस तरीके का चीज़ आप देख रहे हो, लेकिन इसमें हम लोग अब देखते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम है तो क्या क्या चैलेंजेस है जो कि हम लोग इसको एड्रेस करना है। ओके, तो सबसे पहला है कि नॉट प्रायोरिटाइज
प्रायोरिटाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना वो लास्ट है इस प्रायोरिटी के लिस्ट में जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में है। बहुत सारे स्टेट और यूटीज़ जो है ना वो यहाँ पे अपने यहाँ जो है ना वो इस तरीके का स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज़ को बनाए ही नहीं है, जो कि इस तरीके का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन यहाँ पर रेगुलेट करेगा, कौन देखेगा। तो इस तरीके का जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी है ना, बहुत सारे स्टेट तो इसको बनाए नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि एक्सपर्टाइज़ की कमी है यहाँ पे, यानी कि अगर हम लोग स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में देखें या फिर हम लोग और डीप में जाकर समझने की कोशिश करें प्लास्टिक वेस्ट चैलेंजेस का, तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्टीज़ का कमी है। साथ ही जो प्रेजेंस है वो कम्युनिकेशन गैप के कारण है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा रस्साकस्सी होता है। बहुत ऐसे स्टेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनकी बैठती नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ बैठती नहीं है, मेल जुल नहीं खाती है, तो उनमें कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि पुअर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कंपनी और प्रोड्यूसर्स का। जो कंपनी में यहाँ कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को बैन करना है, नहीं उसका प्रोडक्शन करना है, तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते, वो तो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर प्लास्टिक बनवा ही रहे हैं। साथ ही एक्यूरेट डेटा की कमी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑनली 14 यानी कि 35 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सिर्फ 14 ऐसे हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइल की है, वो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, और वो भी 2017-18 में। लार्ज स्केल प्रेजेंस देखे तो इनफॉर्मल सेक्टर का है, हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर की नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर की ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंस है। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब है कि वो सारी बिजनेस जिसमें कि आपका फिक्स टाइम नहीं होता, फिक्स वेजेस नहीं होता है, कुछ भी यहाँ पे फिक्स्ड रेगुलेटर्स नहीं होते हैं, वो अपने मर्जी से अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, अपने मर्जी से वो कमाते हैं, तो वो सारी की जो यहाँ पे आपका प्रेजेंस देखने को मिलता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि ओवर 90% से भी ज़्यादा जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ना वो आज की डेट में इनफॉर्मल है, यानी कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के परमिशंस के अंडर नहीं आया गया है, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे वे फॉरवर्ड देखते हैं कि ऐसा क्या काम करना चाहिए। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, साथ ही स्टेट लेवल ऑफिशियल को यहाँ पे एजुकेट करना है कि वो इस तरीके के नेसेसरी मेजर्स को यहाँ पे ले सके जिसके थ्रू वो यहाँ पे प्लास्टिक को अलग अलग करे और उनको अलग अलग डिकम्पोज करे। साथ ही यहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज किया जाना चाहिए। स्टेट के लिए देखें तो वहाँ यहाँ पे प्लान जो है ना वो डिवाइस होना चाहिए और रियल टाइम टारगेट पे बेस्ड होना चाहिए। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो उनको यहाँ पे प्रॉपर रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए उनके पास, SS2 यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए कि वेस्ट स्टोरेज को वो अच्छा से यहाँ पे एक्सेस कर सके, साथ ही प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर का उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो अल्टरनेटिव भी होना चाहिए प्लास्टिक का, अल्टरनेटिव आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलता है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है जो कि इस तरीके का यहाँ पे वो इस तरीके की बातों को लेकर आए। साथ ही मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू जो है यहाँ पे स्टेट को जो भी रिडक्शंस हो वो कंसीडर कर सके, लो वैल्यू में यहाँ पे फोकस कर सके, नो वैल्यू ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की कोई भी वैल्यू नहीं है इस पर भी फोकस करना है। साथ ही फॉर्मल सेक्टर में भी इंक्लूड करना है और उनको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाना है। जो स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए उनको जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की है, तो वो म्यूनिसिपल बाय लॉज के साथ वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसके थ्रू वो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस के साथ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये पूरी प्लास्टिक पॉल्यूशन के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है फिर से यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो 25 से भी ज़्यादा स्टेट जो है वो फेल हो गए हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, वो भी CPCB को, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है लेकिन कोई भी लोग जो है इसको यहाँ पे अभी तक अवेयरनेस नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो काफ़ी लैकिंग देखने को मिल रहा है, तो इस पर जल्दी से जल्दी वर्क करना होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है कॉप टू बेसल, रॉटरड्राम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये सब कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इससे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो न्यूज़ में क्यों है और इसके बारे में डिटेल में मैं बताती हूँ। रिसेंटली 2019 की जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी बेसल्स का, वो भी कॉप 14 का, रॉटरड्राम कॉप 9 है और स्टॉकहोम जो कॉप 9 है कन्वेंशन वो अभी हुआ है जिनेवा में। ओके, अब इंपॉर्टेंट डिसीजन देखते हैं कि इस कॉप में क्या क्या लिया गया। तो रॉटरड्राम कन्वेंशन में देखें तो यहाँ पे कंप्लाइंस मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और एड्रेस किया जाएगा जो भी गैप है कन्वेंशन के साथ कॉम्प्लाई करने में, और इसका एम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योर करे इन्फॉर्मेशन जो भी उनको ज़रूरत है हैजार्डियस केमिकल्स को लेकर, जो कि यहाँ पे रिस्क का एसेस लेकर चलती है और साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस देती है जब भी यहाँ पे केमिकल को इंपोर्ट किया जाता है। रॉटरड्राम कन्वेंशन जो है ना वो हार्मफुल और हैजार्डियस केमिकल
केमिकल्स के ऊपर ये कन्वेंशन है कि हैजार्डियस केमिकल के अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश किया जाता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंश्योर करे कि अगर उनको इस तरीके का ज़रूरत है, कोई भी केमिकल हैजार्डियस केमिकल की ज़रूरत है और वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पहले इन्फॉर्म करें, यहाँ पर इन्फॉर्म करना है उनको, ओके, और उसके बाद वो यहाँ पर केमिकल को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो दो केमिकल है, एक है पेस्टिसाइड फॉरेट और इंडस्ट्रियल केमिकल है हेक्साब्रोमो साइक्लो डोडेकन। ये आपका एडिट किया गया है आज की डेट में एनेक्स थर्ड में जो कि इस कन्वेंशन का है, और यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट टू प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि इस तरीके के केमिकल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पर एलिमिनेशंस है डिकोफॉल और परफिलो ऑक्टेनिक एसिड का और इसके साल्ट्स का और PFOA रिलेटेड कंपाउंड का जो कि यहाँ पे एनेक्स ए में आती है इस कन्वेंशन के अंदर, ओके। और डिकोफॉल की बात करें तो ये यूज़ होता है मिटिसाइड्स करने के लिए, जो भी वैरायटी ऑफ यहाँ पे फील्ड क्रॉप है या फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑर्नामेंटल्स है, टी एंड कॉफ़ी है, जिसको कि आज के डेट में ये काफ़ी स्किन इरिटेशंस कर रही है, हाइपर स्टिमुलेशंस देखने को मिल रहा है, नर्व्स ट्रांसमिशंस जो कि ह्यूमन में, साथ ही साथ ये हाईली टॉक्सिक्स भी है हमारे फिश के लिए, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, एल्गी और बर्ड्स के लिए भी, तो इसलिए भी इसको यहाँ पर बैन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि PFOA जो है वो वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर और फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को बनाने में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर टेक्सटाइल, कारपेट, पेपर, पेंट, फायर फाइटनिंग फोम में बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ओके। तो स्टॉकहोम कन्वेंशंस में इन दोनों को यहाँ पर एलिमिनेट करने का बात किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी ये यहाँ पर डेंजरस आपको देखने को मिल रहा है, ओके। उसके बाद देखें तो बेसल कन्वेंशन, मेनली ये सारी कन्वेंशंस जो है ना वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और क्लियर करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल गैसेस है या फिर इस तरीके का जो केमिकल यूज़ होता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो हर एक कन्वेंशन में अलग अलग यहाँ पर केमिकल्स का वर्णन किया गया है। तो एडॉप्शंस जो इस अमेंडमेंट के लिए किया गया था तो यहाँ पे आपका अनसॉर्टेड मिक्स्ड और कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूड है जो कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के अंदर है, और यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा और रेगुलेशंस जो कि ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट में है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के मूवमेंट में है, तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा बेसल कन्वेंशन के अंदर। लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा, इसका मतलब है कि कंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पे मॉनिटर करेगी और यहाँ पे ट्रैक करेगी जो थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है ना उनके बॉर्डर के बाहर जा रही है, और ये इस तरीके का जो ग्लोबल ट्रेड बनाएगी जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो पाएगा और बेटर तरीके से वो रेगुलेट हो पाएगी और ये अच्छे से एक मैनेज हो पाएगा जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए सेफ भी है। साथ ही साथ यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो यहाँ पे रिफ्यूज़ करें प्लास्टिक वेस्ट डंपिंग को, और जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट के साथ किया जाएगा जो कि इस्टेब्लिश करेगी और मोबिलाइज़ करेगी बिजनेस को, गवर्नमेंट को, एकेडमी को, सिविल सोसाइटी रिसोर्सेज को, इंटरेस्ट को और जो भी असिस्ट को यहाँ पे एक्सपर्टाइज किया जाएगा जिसके थ्रू न्यू रिसोर्सेज को यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाएगी, और साथ में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एक सेट ऑफ प्रैक्टिकल सपोर्ट जिसमें कि आपका टूल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निकल और फिनेंशियल असिस्टेंस इंक्लूड है। साथ ही ये टेक्निकल गाइडलाइन को यहाँ पे अडॉप्ट करती है जो कि इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, यानी कि ई वेस्ट के लिए, ओके। अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं बेसल कन्वेंशंस जो कि यहाँ पे ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, जो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हैजार्डियस वेस्ट वगैरह और उनके डिस्पोजल होते हैं ना वो, तो उनको कंट्रोल किया जाता है। ये आपका 1989 में अडॉप्ट किया गया था लेकिन फोर्स में ये 1992 में आई थी। ये यहाँ पे बनाया गया था जिसके थ्रू जितनी भी आपकी जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है उसको मैनेज कर सके, उसके बेटर डिस्पोज हो सके, ओके। और जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना इस कन्वेंशन का वो है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, यानी कि हैजार्डियस वेस्ट का वो यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए, यानी कम से कम हो और मिनिमाइज हो उनके सोर्सेज, और मैनेज किया जाए उनको इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए और साथ ही साथ डिस्पोज भी किया जाए, ओके। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो है रोटरडम कन्वेंशंस जो कि यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर पे बेस्ड है, जो कि कुछ सर्टेन यहाँ पे हैजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स पे है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका अडॉप्ट किया गया था 1998 में लेकिन ये फोर्स में 2004 में आई थी, और ये जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के साथ। ये इसको यहाँ पे लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस के साथ बनाया गया है, यानी कि रोटरडम की कोई भी गाइडलाइन है तो हर एक कंट्री को जो कि इसकी मेंबर कंट्री है उनको यहाँ पे मानना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो प्रोसीजर है उनको यहाँ पे बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव है जैसे कि यहाँ पे जो आपका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉपरेटिव एफर्ट है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है जितनी भी पार्टीज़ है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो कि इस तरीके का हैजार्डियस केमिकल्स को यहाँ पे आपका ट्रेड होता है जो कि
वो काफ़ी यहाँ पे आपके ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो इसलिए इसके ट्रेड को रोकना है जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन हेल्थ के को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को जो इस तरीके का पोटेंशियल हार्म है। साथ ही अब आते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि POP के ऊपर है, यानी कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये आपका यहाँ अडॉप्ट किया गया था 2001 में, लेकिन ये फोर्स में 2004 में आई थी। ये ग्लोबली ग्लोबल ट्रीटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है केमिकल से, और ये आपका जो है ना इन्वायरमेंट के लिए है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए लॉन्ग पीरियड तक के लिए इसको यहाँ पे बना के रखा गया है कि इस तरीके का ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यूज़ ना किया जाए। साथ ही यहाँ पे की प्रोविजंस अगर देखेंगे तो एलिमिनेट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, रिड्यूस करना है, इस तरीके का यहाँ पे की प्रोविजंस यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है बायो जेट फ्यूल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी न्यूज़ इसमें कवर किया गया था। तो यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है कि रशियन की ओरिजिन जो A932 ट्रांसपोर्ट प्लेन है ना, उसको यहाँ पे फॉर्मली फिट किया गया, सर्टिफाइड किया गया है DRDO के द्वारा कि वो यहाँ पे 10% जो है बायोजेट ब्लेंडेड ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ इसको बना के इसको उड़ाया गया है, जो कि आपका किससे बना है, तो जेट्रोफा ऑयल से बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेट्रोफा ऑयल। तो जेट्रोफा है क्या, इसको देख लेते हैं। जेट्रोफा एक तरीके का प्लांट है जो कि लैटिन अमेरिकन ओरिजिन है, अमेरिका में ये पाया जाता है। अब ये वाइड स्प्रेड हो चुका है एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन में। ये आपका ड्रॉट रेसिस्टेंस पेरेनियल प्लांट है जो कि ये 75 ईयर्स तक रह सकता है। जेट्रोफा सीड्स में आपका 35% जो है नॉन एडिबल ऑयल प्रेजेंट है। जेट्रोफा ऑयल को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम लोग डीजल इंजन में, साथ ही साथ इसको डीजल फ्यूल के साथ ऐड कर सकते हैं। जेट्रोफा सीड्स जो है ना, यहाँ पे एक्सेलेंट आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यहाँ पे बन सकता है, और इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट है, और इसको हम लोग लाइव स्टॉक फीड में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही इसको इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इस न्यूज़ के बारे में कुछ और समझते हैं। जो फर्स्ट AN-32 जो है इसको उड़ाया गया था दिसंबर 2018 में, और ये आपका बायोजेट फ्यूल को यूज़ करके इंडिया की फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट जो थी ना, वो सक्सेसफुली आपका टेस्ट किया गया है देहरादून से लेकर दिल्ली के बीच में, वो भी अगस्त 2018 में, और ये आपका था स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा, जो कि इसमें बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट्स थी। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी अगस्त 2018 में किया गया था। अब देखिए डेवलप्ड कंट्री जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US जो है ये ऑलरेडी इस तरीके का जो टेस्ट फ्लाइट है ना वो कंडक्ट कर चुकी है। तो इंडिया जो है फर्स्ट टाइम इस तरीके का डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंट की थी। जो हमारे यहाँ का बायोजेट फ्यूल है ना, वो फर्स्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, जो कि 2013 में बनाया गया था। बायोजेट फ्यूल जो है ना, वो यहाँ पे इसमें आपका हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, यानी कि दो स्टेज प्रोसेस है जो कि यहाँ पे कैटलिटिक आपका जो क्रैकिंग है और हाइड्रोजिनेशन से उसको यहाँ पे आपका कंबाइन करके बनाया जाता है। अब इस तरीके का बायोजेट फ्यूल तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, क्या है, और इसको हम लोग क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पे महत्व दे रहे हैं, ये समझते हैं। रेगुलर अगर हम लोग इस तरीके का बायोफ्यूल यूज़ करेंगे ना, तो IAF को यानी कि यहाँ पे जो एयरलाइंस फोर्सेस है उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा कि वो कुछ कॉस्ट कम कर सके। यानी कि आप देखते हो कि एयर फ्लाइट्स वगैरह की जो आपकी टिकट्स वगैरह काफ़ी यहाँ पे आपका हाई रेट का होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्यूल वगैरह यूज़ किया जाता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बायोफ्यूल यूज़ किया जाएगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, साथ ही ह्यूज क्वांटिटी जो ATF है ना वो हर साल यूज़ करेगी, और फॉसिल फ्यूल का यूज़ भी यहाँ पे रिड्यूस हो पाएगा। बायोफ्यूल जो है ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ नॉन एडिबल ऑयल से, जो कि यहाँ पे एरिड लैंड में यूज़ होता है। एरिड लैंड में वो अच्छे से वेल ग्रोन हो पाता है, और ये एरिड लैंड हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना। और ये ह्यूज स्टेप है जिसमें कि हम लोग मेक इन इंडिया मिशंस को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। एज ए बायोफ्यूल जो है ये हमारे टी बॉन्ड ऑयल से यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। एविएशन सेक्टर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इमीटर्स है ग्रीन हाउस गैस का वर्ल्ड वाइड। 2% जो आपको देखने को मिलेगा टोटल इंड्यूस्ड जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो एविएशन सेक्टर करती है। तो इस तरीके का अगर हम लोग सस्टेनेबल और रिन्यूएबल फ्यूल अगर हम लोग यूज़ करें, तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल क्लाइमेट टारगेट है ना 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। ग्रीन एविएशन बायोफ्यूल जो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट है वो 80% रिड्यूस करेगी कार्बन फुटप्रिंट को एविएशन इंडस्ट्री में। रिसेंटली अगर देखें तो डायरेक्टरेट जनरल जो हमारे सिविल एविएशन के हैं वो एक ड्राफ्ट गाइडलाइन यहाँ पे इशू किए हैं एरोप्लेन ऑपरेटर्स फ्लाइंग के लिए, जो कि इंटरनेशनल रूट्स के लिए है, और वो यहाँ पे कार्बन ऑफसेट को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिड्यूस करेंगे स्कीम जो कि इंटरनेशनल एविएशन के लिए है। इसको हम लोग कोर्सिया कहते हैं। तो कोर्सिया एक तरीके का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिजोल्यूशन है जो कि ग्लोबल मार्केट बेस्ड मेजर पे है, और ये एड्रेस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को, वो भी इंटरनेशनल एविएशन यानी कि 2021 से लेकर 2035 तक।
और एक सिविलियन इंटरनेशनल आपका ऑपरेशन है जो कि ये ऑपरेटर के अंडरटेकिंग में लिया गया है, और ये आपका कोर्सिया में ही कवर्ड किया जाता है विद एक्सेप्शंस जो कि ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल और फायर फ्लाइटिंग फाइटिंग फ्लाइट्स के एक्सेप्शंस में आपका यूज़ किया जाएगा। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और ये तीन टॉपिक बची रह गई है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेसन में पार्ट टू में कवर कर दूंगी। ओके तो गाइस अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट करी सजेशन से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।